हाय फ्रेंड्स, मैं हूं प्रतिभा और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बेस्ट केयर ऑफ प्रेग्नेंट्स में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज का हमारा टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के किस मंथ में, किस वीक में बच्चा अपना सर नीचे की ओर करता है, जिसे हेड डाउन पोजीशन कहते हैं, और डॉक्टर की लैंग्वेज में कहें तो उसे वर्टेक्स पोजीशन या नॉर्मल पोजीशन कहते हैं। तो जब बच्चा नीचे की तरफ सर कर लेता है तो कहते हैं कि वो अपने आप को नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रिपेयर कर रहा है। ऐसा किस मंथ में होता है ये हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण वीडियोज़ हम आपके लिए बनाते रहते हैं और कोई भी आपसे वीडियो छूट ना जाए, इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, बच्चा जब अपना हेड डाउन पोजीशन करता है तो ये मोस्टली, अगर आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है, हेल्दी प्रेगनेंसी है, मतलब आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, आप एक्टिव रही हैं अपनी पूरी प्रेगनेंसी के दौरान, तो 30 से 35 वीक, मतलब 34-30 हफ्ते से 35 हफ्ते के बीच में आपका बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है। अगर आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है तो, और फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो, क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी में ऐसा होता है कि गर्भाशय जो हमारा होता है, यूटरस, उसकी वॉल मजबूत होती है, तो बच्चे को सपोर्ट मिलता है हेड डाउन करने के लिए। और अगर आप एक्टिव हैं शुरू से ही पूरी प्रेगनेंसी के दौरान, तो ये काम और जल्दी हो जाता है। लगभग 7.5 महीने में या 8वां महीना आपके स्टार्ट होने तक शुरू हो जाता है, हो जाता है ये। और ये चीज़ आपको पता चलती है जब आपका डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड करते हैं तो वो बताते हैं कि बेबी हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है। वहीं अगर आपकी सेकेंड प्रेगनेंसी है या थर्ड प्रेगनेंसी है तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, मतलब बच्चे को अपना हेड डाउन करने के लिए, वर्टेक्स पोजीशन में आने के लिए टाइम लगता है। आपका बेबी 9 मंथ की स्टार्ट में, मतलब कि या तो आप समझ लीजिए 36 से 38 वीक या 39 वीक के बीच में आपका बेबी हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है। ये सेकेंड और थर्ड प्रेगनेंसी जब अगर आपकी होगी तब ऐसा होता है, क्योंकि सेकेंड प्रेगनेंसी में क्या होता है कि एक डिलीवरी होने के बाद सेकेंड प्रेगनेंसी में गर्भाशय की दीवार थोड़ी वीक हो जाती है, तो बच्चे को उतना सपोर्ट नहीं मिल पाता जितना कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में मिल पाता है, तो इसलिए उसमें टाइम लगता है। उसमें लास्ट के मंथ में या लास्ट के जो 3-4 वीक बचते हैं उसमें बेबी अपना हेड डाउन पोजीशन कर लेता है और वो खुद को नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रिपेयर करने लगता है। तो दोस्तों, ये रही आज की जानकारी हमारी। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आगे आपके लिए वीडियो बनाते रहने के लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। और आपकी कोई भी क्वेरी हो, आपको कोई भी सवाल करना हो, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, उसका रिप्लाई मैं आपको ज़रूर दूँगी। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रतिभा।